हाँ भाई आ गए हो, आ जाओ फिर फटाफट से। कैसी वीडियो चाहिए? मजेदार वीडियो चाहिए, एकदम बिल्कुल चमचमाती हुई वीडियो। अच्छा टॉप 5 मोबाइल चाहिए, कितने? 25,000 रुपए के अंडर में। ठीक है भाई बता देता हूँ फिर, बढ़िया से बिल्कुल मस्त एकदम 5 फोन ऐसे जो 25,000 रुपए के प्राइस रेंज के अंडर में आते हैं, बढ़िया वाले फोन। भाई देखो अभी रिसेंटली मैं 2 वीडियो लेके आया था आप लोगों के लिए, एक थे टॉप 5 मोबाइल अंडर 15,000 रुपए, फिर उसके बाद लेके आया टॉप 5 मोबाइल अंडर 20,000 रुपए। बट आज आप लोगों के लिए पता है भाई क्या लेके आ रहा हूँ मैं? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ टॉप 5 मोबाइल अंडर 25,000 रुपए। और एक ही प्राइस सेगमेंट ऐसा है ना 20,000 से 25,000 रुपए के बीच का, भाई इसमें मैं कहूँगा धांसू मोबाइल है। इतने सारे ऑप्शन है भाई इसमें, रियलमी ले लो, रेडमी ले लो, नथिंग ले लो, वन प्लस ले लो, भर भर के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आज ना आपके यही कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो भाई वीडियो को ना बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। करो भाई करो यार, आप लोग करते नहीं हो बिल्कुल भी सब्सक्राइब। तो भाई देखो वैसे तो मैं 5 मोबाइल ढूंढ के लाया हूँ आप लोगों के लिए जो बढ़िया है, बिल्कुल बेस्ट कह सकते हैं जिनको 25,000 रुपए के अंडर में। और हो सकता है 1-2 मोबाइल ऊपर नीचे हो जाए, भाई देखो हर आदमी की चॉइस अलग होती है, मैं आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो हो सकता है भाई आप लोगों की मैं कहूँगा कि राय मैच ना करें मेरे से, राय ऐश्वर्य राय नहीं भाई, राय मतलब ओपिनियन आप लोगों का। क्या बोला तूने? तो अगर आप लोगों को कुछ भी लगे, कोई भी अप डाउन लगे पोजीशन, या फिर कोई ऐसा मोबाइल जो मैं भूल गया हूँ लेना, तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना, बिल्कुल संकोच मत करना, कमेंट करके एकदम बता देना। तो भैया 5 नंबर पे मैंने जिस मोबाइल को रखा है वो है रियलमी का मोबाइल, रियलमी 12 Pro 5G। रियलमी 12 भी था, 12 प्लस भी आया था, और ये है रियलमी 12 Pro 5G। इसका जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस अभी के टाइम में है 22,999 रुपए का, मतलब कि 23,000 रुपए का। 6.7 इंच की फुल HD प्लस की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है इसमें, और भाई इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है। जो इसका मेन कैमरा रियर का वो है 50 मेगापिक्सल का, जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, और जो तीसरा कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल का, जो कि एक टेलीफोटो कैमरा है। तो मैं कहूँगा देखो कैमरे के मामले में तो भाई देखो धांसू एकदम ये मोबाइल। फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। और भाई इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें इन लोगों ने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 6th Gen 1 का प्रोसेसर दिया है, 5000 mAh की इसमें बैटरी मिल जाती है। तो फोन में कहूँगा एक बढ़िया ऑप्शन है भाई ये 25,000 रुपये के अंडर में। देखो अगर आप लोग को स्पेशली कैमरे का मोबाइल चाहिए, बढ़िया ठीक ठाक सा कैमरा हो जिसका एवरेज से थोड़ा ऊपर कैमरा हो, तो आप लोग जा सकते हैं उस मोबाइल के ऊपर। और भाई बात करूँ अगर नंबर 4 की, तो नंबर 4 पे यहाँ मैंने रखा है Poco X6 Pro 5G। Poco X6 नहीं है भाई, ये Poco X6 Pro है। इसका जो 8GB और 256GB वाला वेरियंट है उसका प्राइस इन लोगों ने रखा है 24,499 के आसपास, मतलब 24,000 के आसपास रखा है इसका प्राइस। इसमें इन लोगों ने 6.67 इंच की फुल HD प्लस की एमोलेड डिस्प्ले दी है। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है इसमें, जो इसका मेन कैमरा रियर का वो है 64 मेगापिक्सल का, जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, और जो तीसरा कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो फ्रंट में 16 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है, तो 64+8+2 का रियर में मिल जाता है, 16 मेगापिक्सल फ्रंट में मिल जाता है। बात करें उसके प्रोसेसर की तो इसमें इन लोगों ने MediaTek Dimensity का 8300 अल्ट्रा का प्रोसेसर दिया है, 8300 अल्ट्रा 8300 अल्ट्रा का प्रोसेसर दिया है, जो मैं कहूँगा ना एक बढ़िया धांसू प्रोसेसर है भाई गेमिंग के लिहाज से। और भाई 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। देखो भाई ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप लोग स्पेशली एक गेमिंग मोबाइल देख रहे हो ना 25,000 रुपए के अंडर में, तो आप लोग बेझिझक जा सकते हो इस मोबाइल के ऊपर। बट हाँ कैमरे वैमरे के हिसाब से ज्यादा उम्मीद मत करना भाई इस मोबाइल से। देखो और भाई बात करूँ अगर मैं नंबर 3 की, तो नंबर 3 पे हमने रखा Redmi Note 13 Pro 5G को। Redmi Note 13 के भी 3 मोबाइल आए थे, Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro और Redmi Note 13 Pro Plus। तो भाई ये Redmi Note 13 Pro है। इसका जो 8GB 128GB वाला वेरियंट है उसका प्राइस इन लोगों ने दिया 22,999 रुपए, मतलब कि 23,000 रुपए। 6.67 इंच की फुल HD प्लस की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है इसमें। देखो मोस्टली मैं कहूंगा डिस्प्ले तो कॉमन ही है भाई सब में, या तो 6.67 या फिर 6.7, सब में इतनी डिस्प्ले मिलेगी इसी साइज की, और सब में एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। बट भाई इसमें ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा रियर का वो है 200 मेगापिक्सल का, जो दूसरा कैमरा दिया इन लोगों ने वो है 8 मेगापिक्सल का, और जो तीसरा कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट में इन लोगों ने 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है। बात करूँ उसके प्रोसेसर की तो इसमें इन लोगों ने क्वालकॉम दिया है। भाई देखो क्वालकॉम है तो देखो मजा ही अलग है यार उस चीज का। तो इसमें इन लोगों ने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का प्रोसेसर दिया है, और भाई 51 mAh की इसमें बैटरी मिल जाती है। तो ये था नंबर 3। अब यहाँ नंबर 2 और नंबर 1 में मुझे दोनों में यार बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि किसको नंबर 2 पे रखें किसको नंबर 1 पे रखें। तो या तो आप लोग इन दोनों मोबाइल को नंबर 2 पे मान सकते हैं, फिर दोनों ही मोबाइल को नंबर 1 पर मान सकते हैं। तो भाई जो नंबर 2 पे यहाँ मोबाइल है वो है OnePlus Nord CE 4 5G, जो अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था। इसका जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस इन लोगों ने दिया 24,999 रुपए, मतलब कि 25,000 रुपए ही मान लो पूरा पूरा। इसमें इन लोगों ने भाई 6.7 इंच की फुल HD प्लस की एमोलेड डिस्प्ले दी है। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है, जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, जो कि एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है। फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। और भाई प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें इन लोगों ने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर दिया है, जो मैं कहूँगा एक बढ़िया प्रोसेसर है। देखो OnePlus यार क्वालिटी तो देता है, ऐसी बात नहीं है।
और भाई बैटरी भी यहाँ इन्होंने थोड़ी सी बड़ी दी है, यहाँ पे इन लोगों ने 5500 mAh की बैटरी दी है। तो भाई ये तो देखो दो नंबर पे। अब बात करते हैं नंबर एक की, क्या आप लोग गैस कर सकते हैं कौन सा हो सकता है नंबर एक? हाँ भाई हाँ, नथिंग फोन 2A, उसी को रखा है यहाँ मैंने नंबर एक पर। इसका जो 8GB 128GB वाला वेरियंट है उसका प्राइस इन लोगों ने दिया 23,999 रुपये, मतलब 24,000 रुपये। इसमें भी 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, इसमें भी भाई डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है, बट भाई जो मेन कैमरा है इसका रियर का वो है 50 मेगापिक्सल का, जो सेकेंडरी कैमरा है वो भी है भाई 50 मेगापिक्सल का। तो भाई इनमें रियर में 50+50 मेगापिक्सल के दो कैमरे मिल जाते हैं, जो मैं कहूँगा बढ़िया भी इसको बोल सकते हैं भाई बढ़िया। और फ्रंट में इन लोगों ने 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है। बात करूँ इसके प्रोसेसर की, तो इसमें भी इन लोगों ने मीडियाटेक डायमेंसिटी का प्रोसेसर दिया है। कौन सा? मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 Pro 7200 Pro। यार ये प्रो अल्ट्रा मीडियाटेक डायमेंसिटी वाले बस यही लगाने लगे यार अपने प्रोसेसर के सामने। और भाई 5000 mAh की इसमें बैटरी मिल जाती है। तो देखो मेरे हिसाब से तो भाई टॉप 5 मोबाइल ये थे, बाकी आप लोगों की जो भी मैं कहूँगा ना जो भी करेक्शन होगा वो बता देना भाई ऊपर नीचे, जो भी आप लोगों को लग रहा हो मैंने ठीक नहीं बताया। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई यही बेस्ट मोबाइल थे। बाकी सैमसंग का मैंने मोबाइल नहीं रखा इस प्राइस रेंज में था, बट उतना अच्छा नहीं था भाई। सैमसंग के मोबाइल 30,000 से ऊपर की रेंज में ही आते हैं भाई, जो बढ़िया बढ़िया आते हैं। तो बस भाई वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।